एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया था कि मैं अभी कनाडा में हूँ, टोरंटो में रह रहा हूँ और अमेजिंग वेदर का खैर मैं मज़ा ले रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा सा मौसम हो रहा है आज, फाइनली बड़े दिनों बाद धूप नहीं है, बारिश जैसा कुछ वेदर लग रहा है और अच्छा है। थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो अच्छा और बेटर हो जाएगा वेदर। खैर, धूप यहाँ पर होती भी है तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लगती, बट दी प्रॉब्लम इज़ थोड़ी सी तेज़ लगती है धूप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड अगेन, आपको सनस्क्रीन वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो आपकी टैनिंग और सन बर्निंग इतनी ज़्यादा होने वाली है कि आप सोच नहीं सकते। खैर, आज 3 बज रहे हैं अभी और मेरा प्लान है डाउनटाउन जाने का। वहाँ पर एक फ़ूड फेस्टिवल लगा हुआ है, इंडियन फूड फेस्टिवल। खैर, होता ही ऐसा है कि जब आप अपने देश से बाहर आते हो तो बाहर इंडिया के फूड की ज़्यादा क्रेविंग होती है, और खैर मैं वहीं जाने वाला हूँ। फ़िलहाल आज के लिए तो मैं होस्ट हूँ, कुछ फ्रेंड्स हैं जो मुझे पिक करने के लिए आने वाले हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी हो और मुझे जानते हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है, सो दैट मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए और मैं आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ बना पाऊँ। तो चलते हैं क्विकली एक नई जर्नी पे, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है।
तेज़ चल रही है और फाइनली मैं वहाँ से वापसी आ गया टोरंटो डाउनटाउन से। अच्छा था एरिया, सारी चीज़ें जो इंडियन फूड फेस्टिवल लगा हुआ था, खैर सारा ही इंडियन खाना था और इंडियन म्यूज़िक ही बज रहा था आसपास। प्लेस वॉज नाइस और आई होप आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। बाकी अभी मैं कोई और ट्रिप चालू करता हूँ तो फिर मैं आपके साथ और इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।